विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक रहे सुरेश योद्धा यानी कि योगी आदित्यनाथ के डुप्लीकेट की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर यह दावा किया है। असल में सुरेश उन्नाव जिले के रहने वाले थे और उनके निधन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अखिलेश यादव ने लिखा, सपा प्रचारक के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने वाले सुरेश ठाकुर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पीट पीट कर हत्या की घटना बेहद हृदय विदारक है। सरकार से अपील है कि दोषियों पर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें। भावभीनी श्रद्धांजलि। वैसे आपको बता दें कि सुरेश कुमार योद्धा उन्नाव के सोहरामाऊ थाना क्षेत्र के चौपाई गांव के रहने वाले थे और उनकी पत्नी ने बताया कि पिछले महीने 28 जुलाई को उनके पड़ोस में रहने वाले दो भाइयों ने सुरेश की बेरहमी से पिटाई की थी। पिटाई से वो घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी थी, लेकिन बीते गुरुवार दोपहर उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। आनन फानन में उन्हें जिला अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सुरेश के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुरेश की मौत की जानकारी मिलते ही बड़ी तादाद में सपा कार्यकर्ता और नेता पोस्टमार्टम हाउस पहुंच गए। सुरेश कुमार की पत्नी ने उन्नाव पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि मारपीट के बाद उन्होंने इसकी शिकायत सोहरामाऊ थाने में की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे उन्हें थाने से भगा दिया गया। पति ने कहा कि पुलिस आरोपियों से मिली हुई है। मारपीट की घटना के बाद वो बार बार थाने के चक्कर लगा रही थीं, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।